जब भाग रहे होते हो तो दिमाग में क्या होता है, हर बॉल में विकेट लेनी होती है या पहले जो है वो शिकारी की तरह उसको जो है फंसाते हो जाल में फिर शिकार करते हो? सिंपल कि मैं बैट्समैन को रीड करता हूँ कि ये किधर अच्छा खेल रहा है, कि कवर में आउट स्विंग पे अच्छा खेल रहा है या इन स्विंग पे अच्छा खेल रहा है, तो उसको फील करके कि जिधर अच्छा खेल रहा है मैंने उधर बॉलिंग नहीं करनी, मैंने अपनी बेसिक पॉइंट पे रह के गुड लेंथ पे मैंने अपनी लाइनो लेंथ पे बॉलिंग करनी है। अगर पिच मुझे सपोर्ट कर रहा है तो मैं हर बॉल पे आउट करने जाता हूँ, और अगर मुझे पिच सपोर्ट नहीं कर रहा, कंडीशन ऐसी हैं जैसे कि यूएई में होती हैं, तो फिर ये है कि मैं रन्स नहीं देता। तो जब आप रन्स रोक लेते हैं बैट्समैनों के तो फिर वो गलती करता है और उसी में कामयाबी मिलती है। अच्छा, कोई पीरवीर है, कोई बाबा शाबे के पास जाते हो, कोई जो है वो गिद्दड़ सिंह ही आ गई, क्या आ गया? 2015 तक आपकी विकेट्स की तादाद 100 समथिंग थी डोमेस्टिक में, 2015 के बाद 2018 तक 282 विकेटों की तादाद चली गई, और अब तो आपकी 400 मुकम्मल होने वाली हैं, इस वाले मैच में हो ही जाएंगी। क्या करते हो ऐसा यार, एकदम इतना तब्दीली आ गई, कोई बाबा शाबा पकड़ लिया, क्या किया है? कोई बाबा शाबा नहीं है, सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है, वही है, बस उसी से मांगता हूँ मैं, और जब मुझे कामयाबी मिलती है तो उसका शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का। मुझे पता है कि मेरी बॉलिंग क्या है, बस उसी में रहता हूँ, और उसके बाद ये है कि ये जो कामयाबी मिलती है इसके पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइस करना पड़ते हैं। जैसे आपने डाइट की बात की कि लोग कुछ खा रहे हैं, चावल बिरयानी खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं लाइफ के, लेकिन एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए क्रिकेटर आपको बहुत सारे जो है ना अवॉइड करना पड़ता है इन चीज़ों से, आपको मीठे से, आपको ऐसे खाने से, उसके बाद जो आपको आप नींद पूरी करनी है, रात को लेट जागना नहीं है, काफ़ी चीज़ों से बचना है, तो ये चीज़ें होती हैं। ये हमारी इसी ये एक किस्म की मेहनत है जो मैं करता आ रहा हूँ, और उसके बाद जो है ना एक लंबे अरसे के बाद जो है ना अल्लाह ताला मुझे उसका रिज़ल्ट दे रहे हैं, और उसके बाद कि मैं काफ़ी क्रिकेट खेला और मैंने अपने सब्र से काम लिया कि मुझे अगर मौका नहीं मिल रहा तो मैं पेशेंस के साथ लगा रहूँ, तो एक दिन आया और जब मैं खेला हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी जिसका मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता। क्या क्या चीज़ें, अभी तुमने कहा कि बहुत सारी चीज़ों से बचना पड़ता है, वो कौन कौन सी चीज़ें जिनसे बचना होता है? सिंपली कि जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, तली हुई चीज़ें हैं, ज़्यादा मिर्ची मसाले वाले खाने हैं। अच्छा, तो बिरयानी खाए हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मेरा हाल याद नहीं है कि कब खाए हैं। पसंदीदा डिश कौन सी है? पसंदीदा डिश तो अब तो पसंदीदा ग्रिल फूड बन गया हुआ है, बारबेक्यू बन गया हुआ है, तो वही खाते हैं, उसी को इंजॉय करते हैं। जब आप इंजॉय नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा।